सिल्वर कलर की पट्टी आती है वो खंबा की शान है। ये टूर्नामेंट काइट है, ये आपने देखा कुछ सिंबल जैसा दिख रहा है। ये सिंबल जफर नियाजी का है और ये जफर नियाजी के काइट से टूर्नामेंट के काइट है। ये 20-25 रुपए का एक पतंग आता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आ गए भूदे भाई के यहाँ, जहाँ आपने लास्ट वीडियो देखा था माजे में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो भूदे भाई इस बार का मतलब के काइट में है, तो कौन सी काइट में रहने वाला है ये बता दीजिए। काइट में एक्चुअली हम हर तरह के काइट रखते हैं, अमृतसर के काइट भी होते हैं हमारे पास, खंबात के काइट भी होते हैं, यहाँ के लोकल प्रोडक्ट है, जोधपुर के काइट जो है वो भी हम रखते हैं और टूर्नामेंट के काइट भी हम रखते हैं। टूर्नामेंट के काइट अपने ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। यूनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे किसी को पता नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ पे जो रेगुलर चलता है जी, तो रेगुलर डिमांड है वो है खंबाती पतंग। ये अपने खंबाती पतंग है? हाँ, ये जो एक सिल्वर कलर की पट्टी आती है वो खंबात की शान है, समझो। अभी इसमें खंबाती पतंग में स्टार्टिंग प्राइस क्या रहने वाली है? खंबाती प्राइस पतंग की स्टार्टिंग प्राइस हमारी एक पतंग हम 6-7 रुपए में बेचते हैं। और उसमें कागज कौन सा यूज होता है? ये त्रिवेणी कागज होता है। गुजरात में तो वैसे 80% तो त्रिवेणी यूज होता है। त्रिवेणी यूज इसीलिए होता है कि गुजरात में जो पतंग होते हैं ना वो 2 ही दिन यूज होते हैं। वेदर के हिसाब से? वेदर के हिसाब से नहीं, मैं आपको बता दे, सिर्फ 2 दिन पतंग उड़ा दे उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। आपको पता होगा उसके बाद मतलब रोड पे पड़े हुए पतंग। और जो टूर्नामेंट का जो काइट होते हैं वो होते हैं खटीमा पतंग, खटीमा हाँ, ये है ना खटीमा पेपर है, खटीमा पेपर हाँ, ये पेपर जो होता है ना इसको गुटाई भी, इसी के ऊपर गुटाई भी होती है, खटीमा पेपर है ये। थोड़ा आगे से बता दीजिए सर जी। जी और इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या रहने वाली है? ये टूर्नामेंट काइट है, ये आपने देखा कुछ सिंबल जैसा दिख रहा है। ये सिंबल जफर नियाजी का है, जफर नियाजी नाम उनका, नाम सुन के काफी लोगों को पता चल ही गया है। काइट्स में इनका बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काइट्स बनाते हैं और ये जफर नियाजी के काइट से टूर्नामेंट के काइट है जी। ये 20-25 रुपए का एक पतंग आता है जी। सर जी अभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में काफी लोगों को पता भी है आपके वीडियो काफी है, जैसे कि आप टूर्नामेंट में जाते हो मतलब कि क्या होता है वहाँ ये बताइए थोड़ा। टूर्नामेंट में जाते हैं तो जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे संडे को लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं जी, तो हमारा जो ग्रुप है जो काइट लवर्स ग्रुप है जी, तो हम टूर्नामेंट अरेंज करते हैं, तो हम लोग संडे पे बहुत बड़ा मैदान होता है वहाँ पे पतंग लड़ाने जाते जी। फिर कुछ ऐसा भी ग्रुप है जो क्लब लड़ाते हैं जी, मतलब तो, सर जी वहाँ बशीर भाई जैसे अदनान भाई वो जाकिर भाई वो सब लोग होते हैं वहाँ, मतलब के वहाँ वो सब लोग नहीं होते हैं, वो तो जब फाइनल होता है तब आते हैं, जिसका मांजा जीतता है, जब ट्रॉफी का अनाउंसमेंट होता है उस दिन उनका मांजा लड़ना होता है तो उनको बताया हुआ होता है, वो लोग तब आते हैं। क्योंकि जैसे फाइनल में 2 जन लड़ रहे हैं, एक बशीर बेग लड़ रहा है एक अदनान अली लड़ रहा है, तो दोनों के मांजे अगर लड़ रहे हैं आमने सामने तो दोनों को बुलाते हैं वो लोग, फिर जिसका मांजा जीतता है तो उनको हार पहना के उनका अभिनंदन करते हैं। और सर जी उसमें काइट कौन सी रहती है जो आप ये टूर्नामेंट काइट जो मैंने आपको बताई जी, टूर्नामेंट में ये लड़ाई जाती काइट है। ओके और क्या इसकी नॉर्मल साइज क्या है? 27.5 इसके ऊपर है क्या? नहीं, ये बड़ी वाली काइट आती है ये, इसको आप पौना बोल सकते हो। पौना हाँ जी। और सर जी इतना ही है मतलब के और भी कुछ है अपने वहाँ पता? काइट में ऐसा है मेरे पास, काइट में बहुत सारी मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, पर आप जब अभी आए हो तो हमारा तो सीजन खत्म होने को आया, तो ऑनलाइन काम करते हैं, कस्टमाइज काम करते हैं। हमारे पास ये पतंग जो पड़ी है वो भी ऑलरेडी बुक है, ये जितने भी पतंग यूएस या यूके से ये जो काइट फेस्टिवल में जो लोग आते हैं उनके भी बुक है। हमारा कुछ ग्रुप ऐसा है जो बाहर से आते हैं संक्रांति में, उनके भी बुक किए हुए पतंग है, बाकी मेरे पास पतंग में अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है जी। चलो कोई बात नहीं सर जी, वैसे तो आपका पूरा साल का ही है ना सर जी? हाँ पूरे साल हम। ओके मतलब अभी ये बता दीजिए लास्ट में अभी के मतलब के अपने यहाँ पतंग में कितने टाइप की वैरायटी मिल जाएगी, मतलब खंबाती हो गया जैसे अभी आपने बोला, खंबाती हो गया, जोधपुरी हो गया, यहाँ का लोकल जो चील पतंग होता है वो भी हो गया, चिलकार पतंग जिसको बोलते हैं वो भी हम रखते हैं, हम कलकत्ता की भी टूर्नामेंट पतंगे रखते हैं, बरेली की, इलाहाबाद की भी टूर्नामेंट पतंगे रखते हैं। अभी सर जी जैसे अपने माजे में देखा था ऑर्डर के लिए, काइट में कैसा रहने वाला है? काइट में सेम वही नंबर है मेरा, और आपको अगर टूर्नामेंट की काइट चाहिए या कुछ खंबाती या कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए कि हमको कौन सी चाहिए, आपको कौन सी काइट चाहिए, कब चाहिए, वो एडवांस में आप बताओगे तो हम मंगवा के भी देते हैं। और मिनिमम सर जी कितना रहने वाला है काइट में? काइट में मिनिमम हम मतलब समझो कि 2000 से कम ऑर्डर नहीं, 2000 तो मिनिमम चाहिए क्योंकि ट्रायल में फिर कुरियर में इतना चला जाएगा। हाँ जी जी सर जी, बहुत ही अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया है सर जी, मिलेंगे ऐसे एक यूनिक वीडियो के साथ जी।